स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। और आज है 12 तारीख और सुबह का काम हमारा हो चुका है स्टार्ट। कितों को स्कूल में छोड़ाए हैं और बच्चे बैठे हैं टीवी दिखा रहे हैं बच्चों को। और देख मम्मी लगी हुई है बातचीत करने और वर्षा लगी है साफ़ सफाई करने और उस बाथरूम में रखे हैं कपड़े धोने वाले, तो इनको मैं भिगो देती हूँ। वर्षा जब तक साफ़ सफाई कर लेगी मैं बाथरूम की साफ़ सफाई स्टार्ट कर लेती हूँ। इन सारे कामों के बीच में अपना हो जाएगा टाइम इतनी देर में कितों को स्कूल से लाने का, तो चलिए अभी तो फिलहाल यही करते हैं, साफ़ सफाई स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या नया है कुछ करने को। सुबह वाला काम हो चुका है कंप्लीट और अब देख रही हूँ मैं टंकी देखने जा रही हूँ पानी भर गया कि नहीं भर गया, और फिर बस हेयर मेकअप वगैरह करके फिर जाऊँगी मैं कीरत को लेने, क्योंकि टाइम हो चुका है और थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने देखा है उसके बीच में फ़ोन, तो यही थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है मतलब बच्चों के भी साथ। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ तो अब जल्दी से कर लेते हैं कॉम वालों में ताकि, हाँ साफ आ रहा है, ताकि कीरत को ला सके स्कूल से, पौने 12 हो गए हैं तो झटपट जल्दी कर लेती हूँ। हो गया कितु को लाने का टाइम तो मैं चल दी हूँ अब कीरत को लेने के लिए। पैसे वैसे ले लिए क्योंकि बच्चों की डिमांड बड़ी होती है आजकल आते वक्त, उसकी ये चाहिए मम्मी खाने के लिए वो चाहिए, तो फिलहाल चलो चलते हैं और लेके आते हैं कितु को स्कूल से। आज मैं गब्बू को नहीं लेके जा रही, फिर उसे पता चला मैं लेने जा रही हूँ कितु को, तो ऊपर रोने लग गया है, तो फिलहाल वो भी आ रहा है उसको साथ लेके चलेंगे गब्बू को। उसे आ गया, आ जाए जल्दी से, आज रो क्यों रहे थे आप मेरे को बोल देते। और देखो सिम्मू भी उठा दी ना आपने, जल्दी से आओ फिर दीदी का टाइम हो गया स्कूल से छुट्टी होने का। और रोते नहीं है बेटा। और पहुंच गए हम कीरत के स्कूल, तो अभी कीरत आएगी यहाँ से, देखते हैं वेट करते हैं जब तक कीरत का। आ गई है कितु, किता थैंक यू कितु। फिलहाल बच्चों के लिए चीज़ वगैरह लेके मैं आ चुकी हूँ, और बच्चों को मैंने पहले ही ऊपर भेज दिया था क्योंकि कीरत को आज ऐसे देखा हमने सामान मिला था स्कूल से, तो फिर सारे बच्चों की डिमांड होती है फिर खाने के सामान की, तो बच्चे दे देते हैं खाने के लिए सामान। चलो 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 अंदर चलो, वो देखो चीज़ लेने आ गई, चलो गब्बू रूट गया है। और देख मम्मी भी गुस्सा हो गई है कितु से क्योंकि कितु ना शेयर करके नहीं खा रही, शेयर करके खाते हैं बेटा, भाई को दे दो सिमू से, या सिमू को जो मर्जी चीज दे दो वो खा लेती है चुपचाप, है ना सिमे, सिमा तो शाना बेटा है ना सिमे, ये और यही है। मम्मी कह रही राक्षस, राक्षस नहीं है लेकिन ये बात नहीं मानते मम्मी की दोनों, गब्बू भी नहीं मानता मौसी की बात। खा ले बेटा ये खा ले, मत खाओ मत खाओ, लड़ो तुम रो, गुस्सा हुई थी और गब्बू उसके दो थप्पड़ ही मार और वर्षा की तू को चिढ़ा रही है ये क्या, कौन से ग्रह से आया तुम जानवर, कंपटीशन और एक इधर कंपटीशन देख लो कितु, ये गप्पू ने मार दिया मेरे बच्चे के, पिट्टी करेंगे अब, जब पिट्टी करके आ उसकी कह दो आप अच्छे भैया नहीं हो, गप्पू कह दो आप थप्पड़ मारते हो, देखो एक बार फिर आ गया वो, और देख और माँ बेटे के चक्कर हो रहे माँ बेटे के गोल 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 गोल, ए ये देखिए अभी गई किसी भी इधर हो जा, बारह क्षमता बहुत दूर तक की है उसकी, कहीं मिसाइल की तरह तुम्हें दे दे टारगेट पे तुम हो उसके। और भूख लगी थी बहुत जोर की तो मम्मी ने बना दिया रोटी, और चलो भाई खाना पीना खा लेते हैं साथ में, अब काट लिए आम, खीरा भी था फिर हमने सोचा चलो आम काट लेते हैं तो खा लेते हैं साथ में, बच्चों को खिला दूंगी रोटी में, कितु रोटी खा लेना बेटा, ये देखो क्या जोर जबरदस्ती है। और
शाम के बज चुके हैं 4:30। बच्चों ने पता नहीं क्या कर रखा है, ये रस्से से नीचे फेंक रखी है। और बच्चे तीनों सुबह हुए, मैं फ़ोन देख रही थी और अचानक से बजी बेल। कौन आया सोचो सोचो, देखो। और आ गया है पार्सल वाला भैया। क्या लेकर आया ये आपको बाद में दिखा देंगे आज ही, तो फिलहाल आप लोग देखते रहिए ना, तो आपको पता चलेगा क्या मंगाया है, क्या क्या आया है। हेलो, पार्सल अपने ने ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, तो अब देखते हैं चाय चूहे बना लूँगी मेरे लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि वर्षा भी सोई है, बच्चे भी सोए हुए हैं और चाय पीने की मेरी इच्छा कर रही थी, तो चाय बनाऊँगी जाके। और तीनों बच्चों से बचते बचाते बड़ी मुश्किल से मैं बाहर जा रही हूँ कुछ खाने का सामान लेने। पता नहीं गब्बू को कहाँ से पता चला गया, कह रहे तो पिज़्ज़ा लेने जा रहे हो आप, कह रहा। फिर मैंने बोला मैं पिज़्ज़ा लेने नहीं जा रही हूँ। और अब मिशन सक्सेसफुल हुआ कि आराम से चुपचाप बिल्कुल आई, उन्हें तो सीढ़ियों में बैठ गए थे सारे बच्चे कि बाहर जाएगी मासी और मम्मी। फिलहाल जो बाहर से सामान लेकर आए थे यानी कि भल्ले पापड़ी खा पी चुके हैं हम लोग, और बच्चों को भी खिला दिया है। और अब मैंने जो है ना मोबाइल का स्टैंड निकाला है, क्योंकि मैं सोची थी आज मैंगो शेक बनाएंगे, तो एक रेसिपी बना रहे या शॉर्ट बना रहे, तो उसके लिए निकाला है मैंने ये स्टैंड। और कीरत को पता नहीं ऐसा हो रहा, पता नहीं क्या निकाल लिया है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है बेटा ये, ये बेटा आपने जो है ना मोबाइल का, हाँ इस मोबाइल का ना स्टैंड है ये, इसके साथ आप ना अपना व्लॉग बनाएंगे, हाँ मैंगो शेक की रेसिपी सेंड करें वो करेंगे साथ में, है ना, हाँ मैंगो शेक की रेसिपी बनाएंगे आप। ये तो कीरत चैल की बोतल है, ये देखो कीरत चैल लिखा है इसके ऊपर, है ना। और शिमू कौन से खजाने की चाबी लेके घूम रहे हो आप, हमने आपको क्या दिया है बताना, क्या दिया है, ये क्या है दिखाना, ये क्या दिया मैम ने आपको, दिखाओ मुझे, सबको दिखाओ, कह दो हेलो गाइस, क्या है ये कार्ड, क्या बोला था मैम ने, क्या बोला मम्मा को, कार्ड दिया था मैम ने ये, आप लगाओगे अपने आप, कहाँ लगाओगे कि तू यहाँ लगाएगी, क्योंकि मैंने ये यही लगा रखा था, मैंने ये यहाँ लगा रखा था। और देखिए मैंने ये स्टैंड लगा लिया है इस पे, तो कितु को ये लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है, क्या लगा लिया, तो मेरे साथ ना किचन में ही खड़ी है। क्या बना रहे हैं कितु आज हम, मैंगो शेक। क्या बना रहे हैं, मैंगो शेक। मैंगो शेक कौन बताएगा मैंगो शेक की रेसिपी, कीरत चहल। हाँ जी, तो आज हम बना रहे जा रहे हैं मैंगो शेक, तो फिर क्या कहते हैं उसकी रेसिपी अलग से डाल दूंगी, तो फिलहाल आप आम काट लेते हैं और फिर रेसिपी बनाएंगे मैंगो शेक। कीरत मांग रही थी मैंगो शेक और पापा कल आम ले आए थे, कल हमने बनाए नहीं, तो फिर सोचा आज बना लेते हैं। तो आज लगे हाथ हमारे इसके स्टैंड का भी, ट्राईपोर्ड का भी क्या हो गया, उद्घाटन कर दिया हमने, कई दिनों से आया रखा था, पिछले संडे से आया हुआ है। हमने सोचा था इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी करेंगे, लेकिन फिर करा नहीं, बस हमने अनबॉक्सिंग की वीडियो, तो चलो अब काम पे लग जाते हैं बच्चों के लिए। अपना मुंह दिखाना, कितु अपना फेस दिखाना, दिखाओ तो सही कितु, प्लीज दिखा देना कितु, कितु दिखाइयो, कितु दिखा, कितु दिखा दो ना प्लीज, कितु ज्यादा गोरी हो रही है, लोशन उठा के आप ही कोई लोशन तो बेत लगाने लगे। ये कौन जानवर आ गया अपने घर, डर गई अरुंधति से, डर गई है उसके अपने घर में, सिमू डर गई अपने मामा को देख के, डर गई आज। मम्मी वो पकड़ रही थी पीछे भाग गई, आंख में घुसा तो लोशन उठाया अभी अपने आप रसोई में से उठा के और मुंह पे लगाने लगी हुई थी, और हमने उसे देख लिया, मैंने मुझे बड़ी हंसी आई और अब भाग रही है उधर, आंखों में ना घुस जाए कहीं। क्या करा है, यूं कह रही है जूते गेट दिए, देखो पापा के जूते कैसे फेंके इस लड़की ने, क्या फेंका सीमा आपने जूते, नाइट सूट चाहिए कितु आपको,
ये लो पकड़ो, चुन्नी ले गई उतार के मेरी। ये वाली चुन्नी क्यों नहीं चाहिए आपको? और कौन सी चुन्नी चाहिए आपको? चलो नाइट सूट पहनो अपनो, नानू पहना रहे हैं आपको नाइट सूट। चलो, और सिमू का नाइट सूट है ही नहीं। सिमू का नाइट सूट है ही नहीं, वही पहना के लेके जाऊंगी। है सिमा, सिमू की स्कर्ट है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सिमू को तो लड़के वाले कपड़े अच्छे लगते हैं ना सिमे, सिमू को तो बॉयज वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। क्या डाइपर कहाँ है सिमू? ये है डाइपर, एक गंदा बच्चा। सिमू अच्छा डांस करो, जे भोला बाबा दे दे, करिए डांस सिमू। जे भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, नाचिए सिमे, सबकी बजा दे बीन। रात के बच्चों के 10:30 और यही था हमारा छोटा मोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर, और कमेंट जरूर किया करो। मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।